एक ओर जहां सरकार द्वारा लगातार बिजली के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है, वहीं दूसरी ओर लोगों का कहना है कि विद्युत विभाग की अव्यवस्थाओं के चलते उनकी परेशानियों में भी उतनी ही तेजी से इजाफा हो रहा है। इसी के चलते आज चकराता के कोटा गांव के ग्रामीणों के साथ पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कमलेश भट्ट डाकपत्थर उपखंड अधिकारी के कार्यालय पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। ग्रामीणों की शिकायत है कि मीटर रीडर घर घर न जाकर अपने अंदाजे से ही विभाग को रीडिंग भेज देता है और बाकी बची रीडिंग का भुगतान हमें एक साथ ब्याज सहित करना पड़ता है। वहीं मीटर खराब हो जाने पर लिखित शिकायत करने के बाद भी एक एक साल तक बदला नहीं जाता। वहीं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कमलेश भट्ट ने उपखंड अधिकारी से बात करते हुए कहा है कि यह समस्या केवल एक कोटा गांव की नहीं बल्कि पूरे जौनसार बाबर की है। यहां विद्युत विभाग के लगातार अव्यवस्था बढ़ती जा रही है और जिसका खामियाजा गरीब जनता को भुगतना पड़ रहा है। सर, मामला यह है कि हमारा जो मीटर जंपिंग का मामला है, सर मीटर जंपिंग का मामला है हमारा। इसमें मीटर जो हमारा पहले था वो आईडीएफ में दिखाया गया है, उसके बावजूद हमारा जो मीटर रीडिंग आ रही है वो जो बढ़ चढ़ के आ रही है, उसमें हमारी को कोई वो नहीं दिया जा रहा है रिस्पांस कि क्या उसमें मीटर में बिल आना है क्या नहीं आना है, हमें कोई इसकी जानकारी भी नहीं है सर। और मीटर आईडीएफ में दिखाया गया एक साल हो गया है, मीटर जो आईडीएफ में दिखाया गया एक साल हो गया है, नया मीटर चेंज नहीं हुआ अभी तक। और हमने जो मीटर को जो हमने फाइनल बिल दिया है उसके बावजूद भी मीटर घट के नहीं आ रहा, मीटर रीडिंग वही दिखा रहा है जो पहले वाली मीटर रीडिंग है, बढ़ के आ रहा है। तो सर हम यही परेशानी का मामला है हमारे, हम तभी जो विभाग के चक्कर काट के परेशान हो। मेरा मामला ये कि हमारा अभी जो बिल है उसमें बिल ज़्यादा आ रहा है, जबकि अभी जो मार्च का बिल है वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है। इन्होंने ये 331 रुपये मेरा मार्च का बिल है जो मैं जमा कर चुका हूँ। फिर जो मेरा सेकेंड जो बिल आ रहा है वो मेरा डायरेक्ट, जबकि हमारे घर में ना कोई टीवी है ना कोई फ्रिज है, चेक कर सकते हैं इस बात को, और फिर भी हमारा जो घर पे भी नहीं रहते हैं क्योंकि हमारे छानियाँ बहुत दूर है, पापा मम्मी रहते हैं वही दो आदमी और कोई ज़्यादा भी नहीं रहते, फिर भी हमारा जो फिर से ये जून में जो आपका जो बिल आ रहा है वो 2158 रुपीज़ आ रहा है। तो सर इतना फिर इन्हें बार बार बताया गया है कि भाई इतना बिल क्यों आ रहा है, फिर इन्होंने कहा कि आपका जो मीटर लोड है वो ज़्यादा है, या तो इन लोगों की ये पूछा जाए इन लोगों से कि मीटर लोड, अगर हम लोगों ने बोला भाई हमारे मीटर में ज़्यादा लोड है, हमें कोई मशीन लगानी है या हमें कोई चारा काटने की मशीन है या हमारी कोई फ्रिज है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तब तो लगा भी देते। सर एक आम दो आदमी रह रहे, दो बल्ब जलने उसमें ये मीटर लोड ज़्यादा बढ़ा देते, ऐसा कौन सी व्यवस्था है सर? जो आज जौनसार बाबर क्षेत्र है वहाँ पर कई जगह जो है मीटर बिल जो है लोगों के 15-15 हज़ार 18-18 हज़ार इतना अधिक बिल आ रहे हैं, और उसमें क्या है कि मीटर जंप कर रहे हैं, और जब बार बार शिकायतें कर रहे हैं तो ना टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं लोग, और टेस्टिंग के बाद अगर किसी का आईडीएफ हो जा रहा है मीटर, एक एक साल से लोगों के आईडीएफ में जा रहे हैं और मीटर चेंज नहीं हो रहे, यहाँ वो कहते हैं कि एजेंसी आएंगी, एजेंसी कहते हैं कि हम आज नहीं आ रहे कल आ रहे परसों आ रहे, एक एक साल बीत गया। और कई जगह जो है मीटर रीडिंग 3-3, 4-4 महीने पहले कम देते हैं और अचानक 4 महीने बाद एकदम 4 महीने की इकट्ठी दे देते हैं, इसके कारण क्या उपभोक्ताओं को एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। कई तरह की अनियमितताएँ जो है वो बिजली विभाग में जो है बिलों में आ रही है, उसकी शिकायतें हमने एसडीओ साहब से करने आए थे और हमने कहा है कि जौनसार बाबर क्षेत्र में बार बार लोगों को यहाँ बिजली विभाग के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, आप कैंप लगवाइए ताकि उपभोक्ताओं को इतना बिल नहीं आ रहा जितना किराया खर्च करना पड़ रहा है। जैसे अभी संज्ञान में आया, अभी मेरे कुछ दिन पहले भी फ़ोन पे वार्ता हुई थी दिशा सेवंता महोदय से जो है मिले होंगे, तो उन्होंने के द्वारा मेरे को निर्देश दिए गए थे, और जो आईडीएफ वगैरह मेरे अभी यही मीटर जो हमारे मीटर सेक्शन है उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि टेंडर नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आप मीटर उपलब्ध करा दिए जो कर्मचारी हैं उनके मीटर चेंज करवा के, और जो भी फिर एवरेज बिलिंग या जो सिस्टम है नियमानुसार वो बिल संशोधन होने में तो बिल्कुल किए जाएंगे। तो इतना बड़ा क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ऐसी शिकायत आती हैं तो उसका निराकरण करते हैं हम लोग और कोशिश करते हैं कि जो है अच्छी सुविधा दें, बस यही कहना है। कैंप को लेकर भी बात हो रही थी, कैंप के लिए मैंने कह दिया कि जिस दिन हम लाइव को देख करके कि मौसम का जो हाल जो है तो उस दिन कैंप लगाएंगे, तो और भी क्षेत्र में एक दो जगह कैंप लगाएंगे जहाँ पे थोड़े से समस्या है, काफ़ी दिन से नहीं गया कोई, क्योंकि मार्च में तो लगभग हम कैंप लगाते ही हैं, तो अभी की बरसात होने के कारण से लाइनें वाइनें क्षतिग्रस्त भी बहुत होती रहती हैं, लेकिन जहाँ पे अधिक समस्या है तो वहाँ तो कैंप लगाएंगे, इसी महीने लगाएंगे कैंप।